आई बिलीव जो कोर्सेज थे, फॉर एग्जाम्पल आई एम मार्केटिंग स्टूडेंट, तो मार्केटिंग के जितने कोर्सेज थे जिनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स सिखाए गए थे, आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए और उससे काफ़ी एवेन्यूज खुले थे और पर्सनली मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कोऑपरेशन और सपोर्ट के लिए मैं सबसे पहले तो मैम फातिमा को बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स उन्हें बहुत तंग करते हैं, हर वक्त उनके इनबॉक्स फ्लड किया होता है क्वेश्चन से और हमेशा उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया है, कभी गुस्सा नहीं हम पे, तो डेफिनेटली मैम फातिमा और बाकी सर वाजिद और सर नवीद हमेशा हेल्प चाहिए थी तो वो उधर थे। आई बिलीव हमें काफ़ी डेडलाइंस मिलती थी और काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह मिलती थी जिनको ऑन टाइम करना पड़ता था, तो आई थिंक उससे आपको ये होता है कि यू हैव टू नो मैटर वॉट, तो आपकी बेशक कितनी और आप जगहों में फंसे हुए हो, आपकी और रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपने वो करना ही करना है। आई थिंक उससे ये होता है कि आपको एक आप अपने गोल्स उस हिसाब से सेट कर सकते हो और आपको टाइम का ज़्यादा एहसास होता है। और स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अपने 4 years एजुकेशन के साथ साथ वो डेफिनेटली काम करें, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे काम नहीं करेंगे और इवेंचुअली 4 साल के बाद जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप जैसे जैसे जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इवेंचुअली।